जो मूत्र कृच्छ्र के जो रोगी हैं, जिनको यूरिन रुक रुक करके आता है, खुल करके पेशाब नहीं होता है, उन लोगों के लिए भी यह गन्ने की जो जड़ होती है, उस जड़ को यदि आप निकाल करके 8-10 ग्राम की मात्रा में लेकर के, एक समय के लिए 10 ग्राम चाहिए, लगभग 400 ग्राम पानी में उबालिए, बच जाए 100 ग्राम, आप छान करके पीजिए, फिर आप देखेंगे जो आपकी पेशाब की जो समस्या है, गन्ने की जो जड़ है, वह निश्चित रूप से ख़त्म कर देगी। और जिनको मूत्र कृच्छ्र है और डायबिटीज के पेशेंट नहीं है, वो लोग गन्ने का नित्य प्रति सेवन करके, कुछ समय पर आप गन्ने को चूसी हैं, तो उससे निश्चित रूप से जो मूत्र कृच्छ्र की बीमारी है वह पूरी तरह से ठीक हो जाएगी।